गिरो, दो मिनट का टाइम, कोई जल्दीबाजी नहीं। अरे यार देखो बाबू, ये ड्रम लिखा है यार, ये ड्रम लिखा भाई। अरे देखो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो यार, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो। हाँ बच्चे अच्छे सही आंसर दे रहे, वेरी गुड। साहब आप एक्स का भी, अरे मल्टीप्लाई कर लेते हो ना, एक्स का भी इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। इधर टू का भी इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो 6x, 2 से करेंगे तो 2 2 4 4x, इससे करेंगे तो 12। थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12, 6x प्लस 4x बोलो बच्चे 10x हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12dx, ठीक है। 2x स्क्वायर 2x क्यूब बाई 3, 2x क्यूब बाई 3 प्लस 10x का 10x स्क्वायर बाई 2, अरे पावर 1 है ना, 1 प्लस 1 बाई 2, और 12 का 12x हो जाएगा, अरे 12 है ना, 12 dx का x। सॉल्व कर ले इसको, तो ये हो गया 2 बाई 3 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ना 10, तो 5x स्क्वायर प्लस 12x, दिस इज फाइनल आंसर। देखिए कितने बच्चों का सही है, 2 बाई 3 यस एक्स क्यूब, अरे बहुत सही मेरा लाल, मेरे बच्चों सबका सही लगभग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है सर। सर एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन लिमिट वाले करोगे प्रैक्टिस के लिए, लिमिट वाले क्वेश्चन करो, लिमिट की वैल्यू रखने वाले, ठीक है। अभी फॉर्मूला याद था ना, लिमिट पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है, याद दिला दूं। जब मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन सिखाया मैंने, वहाँ पर मैंने बताया ना लिमिट कैसे रखते हैं। बोलो बच्चा ये देखो, इसी क्वेश्चन में मैंने बताया था, पहले सॉल्व कर लो लिमिट, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस, बीच में माइनस लगेगा, लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, ठीक है, ठीक है, करोगे। क्वेश्चन सर देने जा रहा हूं मैं तुमको, करो ये है ना, कर दूं सॉल्व, x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 लिमिट 1 टू 4, पहले सर 5, ये 5 बाहर आ जाएगा, x टू दी पावर 5 लिमिट 1 टू 4, सब वैल्यू रखते हैं 1 बाई 5, 4 पहले अपर लिमिट 4 टू दी पावर 5, अच्छा 1 टू 2 एलिमेंट, सॉरी यार नहीं कहा दिमाग चल रहा, ये 2 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, भगवान दे दे 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 into 2, 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, minus 1. 1 की, अच्छा, 1 की पावर 5, 5 होता है क्या? Check. That is 31 by 5. कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल? चलो. अगला क्वेश्चन सर, ये करना है.
नोट करोगे? नोट करो, ये है ऊपर ले लो माइनस वन बाई टू डी एक्स इंटीग्रेट माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन, ये वन बाई टू ये वन बाई टू, ऊपर टू को बाहर कर दो कॉन्स्टेंट है बाहर, वन टू फोर, वन से फोर तक, पहले अपर लिमिट फोर की पावर वन बाई टू माइनस फिर लोअर लिमिट फोर की पावर वन बाई टू, फोर की पावर वन बाई टू फोर, अरे रूट फोर हो गया, रूट फोर कितना टू, वन का अंडर रूट वन प्लस वन टू, अरे ठीक अच्छा क्लियर। ठीक है भाई, इस लिंक पर क्लिक करना है, ये जो लिंक भेजा है ये सर, ये क्वेश्चन है दिखा दीजिए उसी को, दिखा देंगे हम लिंक दिखा देंगे ना, पहले नहीं जाइए हम बैठ जाए, नहीं स्क्रीन बैक कर, ये क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग, करो दो मिनट का टाइम है, हम कैसे बैक करें, हम नहीं कम करते हैं, है इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू वन बाई टू, क्वेश्चन नंबर है 50, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, जीरो से पाई बाई टू, पहले एक्स की जगह रखेंगे अपर लिमिट, एक्स की जगह रखी जाती लिमिट, ध्यान रखना एक्स की जगह रखेंगे अपर लिमिट पाई बाई टू, बीच में लगेगा माइनस, एक्स की जगह रखेंगे लोअर लिमिट जीरो, बताओ कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई टू साइन नाइनटी वन होता माइनस वन है आंसर, सुनील टू गलत है तुम्हारा, सही करो, नहीं यार तुमने टू कैसे कर दिया भाई, जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत आराम से, सब लोग करो, वन टू टू डी एक्स अपॉन एक्स दैट इज एल एन एक्स, ब्लूटूथ बंद कर दो, ब्लूटूथ तो नहीं चल रहा, एल एन एक्स लिमिट गोज वन टू टू, पहले रखेंगे अपर लिमिट एक्स की जगह एल एन टू माइनस लोअर लिमिट एल एन वन, एल एन टू आएगा पॉइंट सिक्स नाइन थ्री, बहुत सही, एल एन वन की वैल्यू जीरो होती है, लॉग वे वन की वैल्यू एल एन वन भी हो तो वो जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा तो एल एन टू, ठीक है सर, ये आंसर है इसका, एल एन टू वन कितना हो गया जीरो, कर लोगे चेक, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है सर, ध्यान दीजिएगा, करो बेटा एल एन लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, मोहम्मद सोहेब रजा खान जी, लॉग वन होगा ना या एल एन वन होगा उसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है याद रखो, लॉग टू की वैल्यू पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो, एल एन टू की वैल्यू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री, वहाँ दी होगी तुमको एग्जाम में दी होगी यार, लेकिन ये याद रखो लॉग वन जीरो होता है, लॉग टेन वन होता है, लॉग हंड्रेड टू होता है, ये तो पता होना चाहिए, साइन एक्स डी एक्स लिमिट जीरो से लेकर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स,
लिमिट जीरो से लेकर माइनस बार लिखा रहेगा, कॉस एक्स के में रखेंगे अपर लिमिट माइनस, फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट कॉस जीरो एक्स की जगह रखते हैं। नूर थोड़ा ध्यान देना, माइनस तुम्हारा जरा बढ़ा गया, कॉस पाई बाई टू होता है जीरो माइनस कॉस जीरो होता है वन, वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी तो ये प्लस वन हो जाएगा। नूर फातिमा जी ध्यान दीजिएगा प्लस वन आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक, बाकी लोग बहुत सही है, हो जाएगा सर कर लोगे, बहुत ईजी है। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक देखो, ये कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। लिमिट पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू जा रही है, लिमिट पाई बाई सिक्स से पाई बाई, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स लिमिट पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू, कोई दिक्कत नहीं, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस, सॉरी कॉस एक्स का साइन एक्स, पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू, पहले रखेंगे अपर लिमिट साइन पाई बाई टू, माइनस फिर रखेंगे लोअर लिमिट साइन पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई टू साइन 91 माइनस पाई बाई सिक्स यानी कि साइन 30, साइन 30 होता है 1 बाई टू, दैट इज 1 बाई टू। मैक्सिमम बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया बच्चों, सीख गए तुम लोग, तुम लोग सीख गए, अब तुम लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है, वेरी गुड। एक लास्ट और करते चले क्या, ये और कर दो, चेक करिए किसका सही किसका गलत, ठीक है। इसको मैं x टू द पावर 1 बाई टू कह सकता हूँ, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट हो गया आ गई x टू द पावर 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन 1 बाई टू प्लस 1 लिमिट 4 से 9, दैट इज x टू द पावर 3 बाई टू अपॉन 3 बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा तो ये 2 बाई 3 x टू द पावर 3 बाई टू लिमिट 4 टू 9, अब वैल्यू पुट करते हैं, हाँ शॉर्ट सही है, 2 बाई 3 x की जगह अपर लिमिट रखें 9 की पावर 3 बाई टू, अपर रखेंगे पहले माइनस 4 की पावर 3 बाई टू, सॉल्व करना है इसको, देखो भैया 2 बाई 3, अब 9 की पावर 3 बाई टू कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अरे इसको ऐसे कर लो, कर दो यहाँ पर, देखो कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स आराम से सीख लोगे। 9 की पावर 3 बाई टू को मैं ये भी तो कह सकता हूँ 9 की पावर 1 बाई टू की होल पावर 3, बोलो बच्चों, तो 9 की पावर 1 बाई टू 3 होता है, रूट कितना होता है 3, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 20, 3 की पावर 3 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ऐसे 4 की पावर 3 बाई टू लिखा है, इसको मैं ये लिखता हूँ 2 की पावर 3 8, ठीक
तो कितना लगेगा 27 माइनस 8 तो कितना हो गया 19 दैट इज 2 बाय 3 इनटू 19 दैट इज 38 बाय 3 मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है बहुत बढ़िया वेरी गुड मेरे लाल बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग सीखे आप लोग सीखे अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली अब एक बहुत बड़ा फिजिक्स का पार्ट निपटा लिया हो सर इंटीग्रेशन हाँ इससे टफ इंटीग्रेशन आएगा भी नहीं तुम्हारा यूज ही नहीं करना पड़ता डिफरेंशिएशन थोड़ा यूज़ करना पड़ता है डिफरेंशिएशन में मैंने बेसिक सिखाया है अभी आगे वाला डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आता अभी मैं क्लास कल या परसों से दो दिन का टाइम दे दो बस क्लास जिनकी छुट्टी हुई है उनका शुरू करवा दूंगा ठीक है साहब कुछ चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक मैथ से ही रिलेटेड चीज़ें हैं सर वो भी बहुत बेसिक से रिलेटेड चीज़ें हैं सर ठीक है ये भी सुन लो बेसिक मैथ्स है कोई बहुत खास चीज़ नहीं है ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं ये एंगल ले लोगे देखो सीख लो बेसिक मैथ तुम्हारे टेंथ वाली मैथ नाइन्थ में था ये सब चीज़ें नाइन्थ क्या उसमें भी पहले सिखा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा बाकी आपको दिक्कत नहीं होगी ये थीटा जो भी एंगल लोगे उसके ठीक सामने वाला होता है परपेंडिकुलर 90 के ठीक सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज और बाकी बचा बेस ठीक ठीक सीख लो बार बार नहीं सीखोगे अगर ये थीटा यहाँ के लेने के बजाय ऊपर से ले लेते तो यहाँ से एंगल दिया होता तो इसके सामने वाला होता परपेंडिकुलर जो एंगल दिया होगा उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और ये बेस पाइथागोरस थ्योरम याद है पाइथागोरस थ्योरम मेक जोक ऑफ कॉन्फ्यूजन देखो इस बार यही आई है पाइथागोरस थ्योरम कि पाइथागोरस थ्योरम नहीं हो पा रही देखना बड़ा मजेदार होता साहब हाइपोटेन्यूज का ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है बहुत बेसिक मतलब क्लास सिक्स की मैथ्स बता रहा हूँ इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये पाइथागोरस थ्योरम होती है ठीक यानी ये 5 ये 3 ये 4 आप देख लो सॉल्व करो वही आ जाएगा कई बार पूछे ये 5 है ये 3 है तो बताओ ये कितना होगा ये 5 है ये 3 है तो ये कितना होगा नहीं निकाल पाओगे क्या वैल्यू में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा जैसे मान लो मुझे कई बार ट्रायंगल से साइन थीटा दिया 4/5 साइन थीटा 4/5 तो कॉस थीटा निकालना होगा तो कॉस थीटा अपने आप 3/5 आ जाएगा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है दिस इज वेरी बेसिक मैथमेटिक्स बहुत बेसिक मैथमेटिक्स चल रही थी है ठीक कुछ पॉइंट्स और आपको मैंने आपको वैल्यूज याद करने के लिए दी थी आपको याद होगा मैंने कुछ वैल्यूज आपको कहा था स्क्रीनशॉट लेने को भी कहा था ये 180 तक की वैल्यू याद रखना साइन की और कॉस की 10 की तो अपने आप निकाल लोगे डिवाइड कर लोगे साइन अपॉन कॉस कर लोगे 180 तक वैल्यू अगर याद रहेगी ना तो वहाँ जल्दी से लिख पाओगे आप निकाल तो सकते हो फाइन करके 90 तक याद कर लो बाकी तो फाइन कर सकते हो लेकिन अगर पूरी याद रहेगी ना तो टाइम बच जाएगा तुम्हारा थोड़ा सा ठीक है ठीक तो ये वैल्यू तो मैंने बताई थी इसका स्क्रीनशॉट आपने लास्ट टर्म पे ले लिया था जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लें चलिए सर अब एक दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ठीक है मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर देखिए कई बार यूज करने को आ जाते हैं सब आपको याद आ जाएगा पुरानी चीजें यार दो पॉइंट दिए हो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है एक पॉइंट दिया ये एक्स वन कॉमा वाई वन और एक दूसरा पॉइंट दिया है एक्स टू कॉमा वाई टू आपसे पूछे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी That is under root x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर
डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सर बहुत बेसिक चीज मैं आज बता दे रहा हूँ आपको, अगले टर्म से वेक्टर स्टार्ट लेंगे, ठीक है ठीक है, ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है। अब सुनो, कहीं दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली नोन एज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, हैविंग रेडियस ए, ये सर्कल की इक्वेशन होती है, इसकी रेडियस कितनी होती है भैया ए, दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, डायरेक्ट यूज कर लेंगे बाबू, ध्यान रखना डायरेक्ट ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में आएगा, मैं यूज कर दूंगा, ठीक, दिस इज ए, ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक साहब। एक इक्वेशन और है, जैसे दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ऐसे कई इक्वेशन लिखी हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, याद रखो बस। हाइपरबोला क्या होता है, हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं, ऐसा सर्कल, सर्कल नहीं है ये, दिस इज हाइपरबोला, अर्थ ऐसे ही घूमती है, इसके दो सेंटर होते हैं F1 और F2, ये छोटी वाली जो डिस्टेंस होती है, छोटी वाली, इसे माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं, और ये बड़ी वाली डिस्टेंस होती है, ये दिस वन, दिस इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, इलिप्स की इक्वेशन कहते हैं इसको, इलिप्स सेमी मेजर, सेमी मेजर, मेजर मतलब बड़ी वाली एक्सिस, सेमी मतलब आधा, ठीक है, ये माइनर एक्सिस है, छोटा वाला दिख रहा होगा आपको, ये बड़ा वाला एक्सिस है, ये छोटा वाला, सेमी माइनर मतलब आधा, ठीक है, ये एलिप्स की इक्वेशन। बाबू अब एक इक्वेशन आती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, इसके ग्राफ अपने फिजिक्स में बहुत आएंगे, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला में भी यही नहीं समझ में आता कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला तो देखे हो गए, ये बनता है पैराबोला, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, कई बार ये पैराबोला ऐसे होता है, कई बार ये पैराबोला ऐसे होता है, अब बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा पैराबोला बनेगा, हाँ ये तो वैसे कम होते हैं नीचे वाला, बच्चे बेचारे कंफ्यूज कौन सा पैराबोला बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई देखो दिक्कत तो कोई है ही नहीं, पैराबोला की इक्वेशन ये होती है, कई बार लिखी होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या कई बार सिर्फ लिखा होता है y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, कई बार लिखा होता है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर, कई बार लिखा होता है x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, किसमें कैसा पूरा पैराबोला बनेगा, किसमें कैसा पैराबोला बनेगा, तब कंफ्यूज होते हैं, कोई नहीं यार, देखो मैं बताता हूँ, देखो भैया जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, ये लाइन है बहुत बिंदास लाइन है, बेहतरीन लाइन है, मूवी थी ये लावारिस, कभी सुनना इस गाने को और बहुत फील से सुनना, मजा आएगा तुमको, एक अलग से एनर्जी बूस्ट होती है आदमी की, कि नहीं परेशान होने वाली बहुत बात नहीं है, गॉड इज विद अस, ये लावारिस मूवी का है, इसका इसका मैं तुमको बताऊं, इसका जो लावारिस मूवी में इसका जो पिक्चराइजेशन है बहुत बेहतरीन है, अमिताभ बच्चन साहब की मूवी है, ये गाना यूट्यूब पे सुनना बहुत बढ़िया, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, कुछ
डिजिटलाइजेशन कुछ इस तरीके से कि एक बच्चा जो है ट्रेन में ना बच्चा नीचे ट्रेन की सीट के नीचे को छोड़ जाता है, उसको लावारिस होता, वो भूख से रो रहा होता है और एक फैमिली ऊपर ही होती है बैठी होती है, उनका भी छोटा बेबी होता बच्चा होता, जब ये नीचे वो रो रहा है बच्चा, तो उस बच्चे के ऊपर जो ऊपर ऊपर लेटा है उसके हाथ में दूध की बॉटल होती है, वो गिर जाती है और बॉटल से दूध फैलने लगता है और फैल के सीधे उस नीचे लेटे हुए बच्चे के मुंह में जाता है और बैकग्राउंड में म्यूजिक है जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, समझे साहब? वही वही चीजें कुछ यहां पर भी है, देखो तुम सीख लो, सीख एक बार मेरे लाल सीख लो बस। अगर कहीं लिखा है वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल एक्स, जो कमजोर होता है उसकी मदद भगवान करते हैं, गॉड करते हैं, अल्लाह करते हैं सर, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कभी कंफ्यूज नहीं होगा सर, वरना इतना उलझन रहती है इसमें, ये ग्राफ इतना ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, फलाने ठिकाने, इनमें से देखो किसकी पावर कम है, y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो x की पावर कम है, यानी कि x हमारा कमजोर है, x हमारा कमजोर है, और बाबू जो कमजोर होगा भगवान उसकी मदद करेंगे, उसको कवरिंग देंगे, तो कवरिंग मतलब ये, कवरिंग मतलब ये कवर कर लिया भगवान जी ने, बताओ भगवान जी ने किस एक्सिस को कवर किया है, एक्स एक्सिस को कवर किया, एक्स एक्सिस को कवर किया भगवान जी ने, जिसकी पावर कम होगी उसी को कवरिंग मिलेगी। अच्छा मान लो ये होता, मान लो ये होता, मान लो ये होता एक्स प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर, अब बताओ कवरिंग किसको मिलेगी, अरे सॉरी मैंने वाई लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल वाई, अब बताओ मेरे बच्चा कवरिंग किसको मिलेगी, अब कवरिंग कमजोर कौन है इनमें से, वाई कमजोर है, भगवान जी कवर करेंगे उसको, मेरे लाल ऐसे कहेंगे फैलाएंगे, ठीक है? तो ग्राफ कैसे आ गया, तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है, समझ गए? अब जीवन में कंफ्यूज नहीं होगे, चाहे कोई ग्राफ आ जाए कि पैराबोला बनेगा कैसा, वरना इतना उलझन में रहते हैं लोग, बड़े बड़े रिपीटर ग्राफ ही नहीं बना पाते हैं, ठीक? अब अगर माइनस होगा तो तुम बना ही सकते हो यार, बहुत सिंपल है, वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, तो उल्टा कर देना, बस एक्स को कवरिंग देना, बस एक्स इधर चला जाएगा, माइनस एक्स कवरिंग एक्स को मिलेगी जिसकी पावर कम होगी, कर लोगे? अगर ऐसे लिखा होता एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल माइनस वाई, तो नीचे चला जाएगा ये, लेकिन कवरिंग वाई एक्सिस को ही मिलने वाली है, ठीक है? हो जाएगा बच्चों, कर लोगे? तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, तो ये ग्राफ पैरा बोले, कर लोगे? नोट करिए, नोट करोगे, करो बस बेसिक मार्क्स का। अगर कहीं ग्राफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x से, तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन याद रखना, कैसा ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, हाइपरबोला की इक्वेशन बेटा तुमको याद ही रखनी पड़ेगी, हाँ वो उसका डेरिवेशन तो मैथ्स में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th में, कोई जरूरत नहीं, हाँ क्वेश्चन आ सकते हैं हाइपरबोला, वो हाइपरबोला आएगा तुम्हारा ग्रेविटेशन में, अर्थ चक्कर लगाती है सन के चारों तरफ हाइपरबोलिक पाथ में, अगर इसी में माइनस होते तो कौन सा बहुत नुकसान हो जाता, तुमको सिखा भी सकते हैं बता दें, तो ऐसे आते हैं, बता दे कैसे, देखो थोड़ा सा बता दे, तुम कंफ्यूज नहीं होगा कभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्राफ खींचना, तो अगर x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, तो
इस कोऑर्डिनेट में देखो, कहीं भी देखो, कहीं देखो, यहाँ देखो, स्ट्रेट लाइन तो याद रखना। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ सपोज करो मैं इस पॉइंट पर कहूँ एक्स टू है, तो वाई यहाँ से यहाँ तक होगा, तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो वाई भी तो प्लस का होगा, दोनों सेम साइन के होंगे, दोनों सेम साइन के होंगे। ये टू है तो वाई भी इसका टू, कुछ टू थ्री कुछ भी होगा, लेकिन एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। थर्ड में देखो, थर्ड में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, थर्ड में देखो x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा, किसी भी पॉइंट में देख लो, अगर ये चीज नेगेटिव आई तो y भी तो नेगेटिव नीचे आ रहा है। देखो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो x प्रोपोर्शनल y है या y प्रोपोर्शनल x है, तो ग्राफ ऐसे ही खींचेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इस वाले में देखो, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, तो ये सेकेंड में जाएगा। देखो y प्लस है, अगर यहां पे मैं बात करूं तो y देखो प्लस है, y देखो ऊपर है, ऊपर मतलब प्लस है, और x देखो माइनस है, इधर इधर x माइनस होगा, x कैसा है माइनस, y कैसा है पॉजिटिव, याद रखोगे? बस ये याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन, और अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट रहता है, और अगर माइनस होगा तो एक प्लस एक माइनस, तो भैया या तो सेकेंड में होता है या तो फोर्थ में होता है, x प्लस y माइनस। ठीक है, याद रखोगे ग्राफ, समझ गए? एक ग्राफ और बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल जाना नहीं है इसमें, y प्रोपोर्शनल 1/x, बस याद रखो दिस इज नोन एज हाइपरबोलिक ग्राफ, हाइपरबोलिक y प्रोपोर्शनल 1/x का ग्राफ है, ये कर्व आता है इस तरीके से, हाइपरबोलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, ऐसे ग्राफ बनेगा, हाइपरबोलिक, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, दैट इज हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, ठीक है बच्चा, हाँ बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें पढ़ोगे वो मैं यहाँ तुमको बता दे रहा हूँ, याद रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये जब टेंथ का है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, ये नोट कर, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को बच्चों ये थोड़ा तुम लोग फटाफट याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, बेटा जानवी है, पता नहीं आपका कहां से छूटा है, नोट किया, अभी बताइएगा मुझे, देखता हूँ। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, नोट करिए। ठीक है, देखिए वैल्यूज हैं, कुछ ध्यान रखिएगा, ये सब कर लेते हो ना, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, नहीं कर पाते हो तो फिजिक्स आराम से भी जाके सीख लेना, मैंने सिखाया है सर।
कुछ फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला, ये जरूर नोट करके याद कर लेना, कई जगह काम आएगा, और भूले तो समझे रहना नोट कर लेना। cos 2a is equal to cos square a minus sin square a, या फिर 2 cos square a minus 1, या फिर 1 minus 2 sin square a, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 2a के तीन फॉर्मूले हैं, cos square a minus sin square a, 2 cos square a minus 1, या 1 minus 2 sin square a। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट मार दो उसका, ठीक है। cos 3 है, ऑप्शनल है, याद करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, ये ऑप्शनल फॉर्मूला है, ये तुम्हारी मर्जी है, याद करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। अगले ढंग से वेक्टर आ जाएगा इस, तभी साथ खत्म कर देना। एक ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो कोई बुक नहीं लेनी है, मेरा होम असाइनमेंट आपके पास कोरियर से पहुंच जाएगा, ठीक है, या मैं अगर नहीं पहुंच रहा है तो चार दिन में, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक, होम असाइनमेंट मेरा, ठीक। दूसरी बात, एक लिंक आया था उसमें, अभी आपने देखा था, ये मेरा एप्लीकेशन है, इस पर स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, ये एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो उसमें आपको स्टडी मटेरियल आ जाएगा, तो वो पढ़ लेना आप उसमें से, ठीक है, अगर नहीं पहुँच रहा जब तक, वैसे पहुँच जाएगा यहाँ से। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ऐसे वर्मा ले लो, वेक्टर से ऐसे वर्मा लगाना शुरू कर देंगे। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नोट कर जल्दी से, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, मेरे नोट्स कर लोगे फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन वो पूरे तैयार होने चाहिए, रटे नहीं, तैयार, और ऐसे भी मैं करवाई दूंगा तुमको, ऐसे वर्मा टेंशन न लो, जितना मैं कहूँ उतना कर लो, फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये वादा है हमारा, ठीक है। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ले रहे स्क्रीनशॉट, ले रहे फटाफट। cos a माइनस बी, ये ब्रैकेट है यहाँ पर, ब्रैकेट लगाना भूल गई है, ये टाइप करने वाले cos a cos b प्लस sin a sin b। जानवी प्रीवियस जो छूटा है, जितने बच्चों को छूटा है उनके लिए परसों या मैं एक दो दिन से ही नेक्स्ट वीक से मैं 12 बजे से क्लास रखूँगा, ठीक है, क्लास रखूँगा 12 बजे से, जो छूटा हुआ वो आप कर सकते हैं उसमें, मैं आपको अनाउंस करवा दूंगा, मैसेज करवा दूंगा कि क्या होगा उस दिन क्लास में, ठीक है। हाँ सर, आप पूछिए अपन क्वेश्चन, आराम से पूछिए, नोट कर लिया फॉर्मूला। एक ये फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है सर। बाबू याद करने पड़ेंगे, ये यूज करते हैं हम लोग, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी। मैं इसी साल में 11th और 12th दोनों करा दूंगा, अब 12th का भी शुरू कर दूंगा इसी ईयर में, यस, और इतनी रफ्तार में पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ा रहा हूँ, धीमे धीमे, आराम आराम से। सर इतिहास गवाह है, सबसे पहले पूरे इंडिया में मेरा कोर्स खत्म होता है, पूरा 11th 12th मिला के, नीट के लिए करवा रहा हूँ भैया प्रिपरेशन, सिर्फ 11th 12th थोड़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो साथ में ही हो जाएगा।
ठीक, नोट कर लिया? धन्यवाद मोहम्मद सोएब रजा खान जी, शुक्रिया। ठीक सर, बस आप लोग मेरा साथ दो, लगे रहना मेरे साथ, जो मैं कहूँ वो करते रहना, वादा है हमारा। फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। 4 महीने बाद तुम कहोगे अरे फिजिक्स में तो मजा आ जाता है यार, सबसे आसान वही है, ये टाइम जो थोड़ा सा। ठीक, सही ना पढ़ो तो ये बहुत बहुत फॉर्मूले जाएंगे। हाँ ये साइन टू ए, टू साइन ए कॉस ए, हाँ डर ना निकल जाए तो कहना। पढ़ाओगे यार दूसरों को, पढ़ाओगे। हाँ ट्वेल्थ शुरू करेंगे यार, ट्वेल्थ इसलिए नहीं शुरू करें ना छोरे, अभी हमें यार वेक्टर पढ़ाना कंपलसरी है और NLM तक पहुँचना हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि उसका सारा का सारा यूज हमारे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैट में है। मैकेनिक्स का जो ये 4-5 चैप्टर है इनका बहुत यूज है यार। एक तो मैं तभी छोड़ूंगा वर्क पावर एनर्जी, वहाँ तक मैं लेट पहुँच पाऊंगा, उससे पहले शुरू कर दूंगा। एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह सब लगाना पड़ता है, इसलिए मजबूरी है मेरी। 11th का सर देखो, मैं तो साथ ही पढ़ाता हूँ, यही पढ़ा रहा हूँ, और इससे आसान क्या है। साइन टू इज इक्वल टू साइन कॉस ए लिख लिया, इसी में बैठा लो, 11th के बच्चे हैं सब, यही सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें यही पढ़ाऊंगा, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, क्योंकि मुझे पता है कुछ अलग नहीं होता, यही आता है फिजिक्स, यही तुम्हें करना होता है बस। नोट कर लिया? चलो, कर्व मैंने तुमको खिंचवाई दिए हैं, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला मैं खिंचवा चुका तुमको, ठीक है, बस सफला। थैंक यू, ये बेसिक मैथ्स मैंने आपको पढ़ा दिए। अब बेसिक मैथ्स में सिर्फ एक चीज तुम्हारी बची है, स्पेशल डिफरेंशिएशन और मैक्सिमम मिनिमा, ठीक, वो अभी रुकाऊ, थोड़ा वेक्टर खींच लूँ ना, उसके बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो पुराने नए बच्चे आए ना वो जब डिफरेंशिएशन बेचारे नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो मैं पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन ले लो, वो सब हमारा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन सिर्फ देने का, क्लियर? ठीक है, हम है तो क्या दम है, ठीक, इतिहास गवाह है सर, पूछ लेना किसी बच्चे से जो पिछले साल पढ़ा हो, क्लियर है बच्चा? चलिए बस करते हैं, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी।